92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिमांशु सिंह की लिखी कहानी मैरी मी शाहरुख। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार वो भी एक बार ही होता है। 131वीं बार कुछ कुछ होता है देख रही निष्ठा की आंखें आज फिर नम हो आई। ये कहानी है उस लड़की की जिसे उसके सारे दोस्त उसको अपने नाम से कम और गौरी के नाम से ज्यादा बुलाते थे। गौरी इसलिए क्योंकि 6 साल की उम्र में निष्ठा ने जब पहली बार अपने केबल टीवी पे बाजीगर फिल्म देखी थी तो बस यही सपना अपने मन के कैनवस पे रच लिया था कि शादी करनी है तो बस शाहरुख खान से। राहुल नाम तो सुना होगा, वो राहुल जो कभी विक्की बन जाता, कभी राज आर्यन, कभी अमन तो कभी कैप्टन समर। लेकिन एक निष्ठा थी जो इन बदलते किरदारों को निभाने वाले शख्स के लिए अपने एहसास नहीं बदल सकी। स्कूल में एक बार जब मैडम ने निष्ठा की नोटबुक के आखिरी पन्ने पर सजे शाहरुख के स्टिकर्स को फाड़ डाला था तो पूरी रात रोती रही थी निष्ठा। हाँ, मैडम ने कॉपी में से निकले शाहरुख खान के स्टिकर्स फाड़ के क्लास के बाहर फेंकवा दिए थे। निष्ठा इस बात से ज्यादा दुखी नहीं थी कि शाहरुख के स्टिकर्स फाड़ दिए गए थे, बल्कि इस बात से ज्यादा गुस्सा थी कि मैडम ने उसको फटकार लगाते हुए कहा था, निष्ठा आखिर क्यों एक ऐसे कलाकार के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रही हो जिसकी कोई असलियत नहीं है। अरे आजकल तो कल कुछ और, जो दिखता है ना वो सब फेक है, फिल्मी है, नकली है। काश निष्ठा की कोई ये बात समझ पाता कि नकली किरदारों से उसका एक तरफा प्यार तो असली है। निष्ठा की सहेलियां उसके सामने शाहरुख के प्यार के लिए निष्ठा की हां में हां मिलाती थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड सोनाली कहती, मैं कह देती हूं निष्ठा तू बस एक बार मिल ले उससे, पक्का वो तुझसे शादी कर लेगा। साथ ही शिल्पा कहती, हाँ हाँ मैं तो कहती हूँ एक चिट्ठी लिख डालना उसको, वो पढ़ के भागा चला आएगा हमारे बरेली में तुझसे मिलने। निष्ठा रात भर अपनी माँ से छुपकर शाहरुख की फिल्में देखती और रात के अंधेरे में जब सब सो चुके होते तो निष्ठा बेड के सामने वाली दीवार पर चिपके उसके पोस्टर से बातें करती थी। मैं जानती हूँ कि यह सब तुम्हारा काम है, पर मुझको अच्छा नहीं लगता जब तुमने बाजीगर में उस लड़की को ऊपर से धक्का दे दिया था, और डर में तुमने कैसे अपना इतना खून बहा दिया था। तुमको पता भी है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, बस एक बार मिल जाओ ना। निष्ठा की बात पूरी होने से पहले ही माँ दूसरे कमरे से चिल्लाने लगती, निष्ठा कल स्कूल जाना है कि नहीं, फोन रख दे अब, किससे बात कर रही है इतनी रात को। उस रात निष्ठा और शाहरुख की बातचीत फिर अधूरी रह गई। सिर्फ बातचीत नहीं थी, वो खुली आंखों से सपने देखना भी नहीं था। वो तो मन की गहरी परत पे जमे अरमानों के वो अनछुए टुकड़े थे जिनको निष्ठा धीरे धीरे बटोर के एक साकार रूप देने की कोशिश कर रही थी। पर हर रात उसे खुद से यही सवाल पूछ के अगली सुबह का इंतजार करना होता था कि क्या उसका ये मासूम सपना सच हो पाएगा। दिखने में कोई कटरीना या करीना नहीं थी अपनी निष्ठा, पर स्कूल से ही कई लड़कों ने उसको अपनी तरफ से प्रपोज किया था। सब धीरे धीरे जान गए थे कि जैसे हर शख्स के दिल तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता होता है, वैसे ही निष्ठा के दिल तक पहुंचने का रोडमैप शाहरुख की फिल्मों से होके जाता है। कुछ लड़कों ने शाहरुख के सारे फेमस डायलॉग्स याद करके सुना डाले, तो किसी ने मोहब्बतें की तरह एक सूखे पत्ते पे अपना प्यार कलम से दर्ज करके निष्ठा के सामने बयान कर दिया। इन सब में अपना सनी तो सबसे तेज निकला। स्कूल में निष्ठा की क्लास के बाहर खड़ा होके अपना बायां पैर थोड़ा नीचे झुकाता, दायां ऊपर स्ट्रेच करता और दोनों हाथों को हवा में धीरे धीरे फैलाने लगता। तुझे देखा तो ये जाना सनम, इस गीत का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन बजाने के लिए अपने दोस्त पहले ही खड़े करके रखे होते थे उसने। पर न तो सनी की बात बनी और न ही कोई और नकली शाहरुख निष्ठा का दिल जीतने में कामयाब हो पाया। बेचारे सनी की प्रिंसिपल से धुनाई हो गई, वो अलग। स्कूल के खत्म होने के बाद अब निष्ठा को कॉलेज की राह पकड़नी थी। अपने शहर बरेली से मीलों दूर दिल्ली में निष्ठा को दाखिला तो मिल गया था, लेकिन हॉस्टल का रूम किसी और लड़की के साथ शेयर करना था।
जाहिर है पहली बार में ही निष्ठा और उसकी रूममेट की लड़ाई इस बात पे हुई कि आखिर दीवारों पे कितना हिस्सा शाहरुख के लिए और कितना उसकी रूममेट के फेवरेट अंग्रेजी गायक एनरिके के लिए। हाँ, रूममेट मालविका जो पूरा दिन अंग्रेजी गाने सुनती और बस ग्रुप की जबरदस्ती करने पे ही कोई हिंदी फिल्म देखने जाती थी। निष्ठा का शाहरुख के लिए अजीब सा प्यार उसको पागलपन लगता था। निष्ठा को भी यह पसंद नहीं था कि उसका दिलों का किंग खान सोते वक्त किसी और लड़की को देखे, इसलिए उसने शाहरुख का पोस्टर बेड के ठीक ऊपर छत पे लगा लिया था ताकि सोने से पहले आई टू आई कम्युनिकेशन हो सके और रूममेट को पता भी न चले। एक बार बेतरतीबी से कानों पे लटके अपने ईयरफोन को सुलझाते हुए मालविका ने निष्ठा को समझाया, निष्ठा इट्स नॉट पॉसिबल, यू मस्ट अंडरस्टैंड। निष्ठा ने उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, ऊपर से मालविका को समझाने लगी, देखो अगर किसी चीज को दिल से पाना चाहो तो सारी कायनात उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मालविका ने अपना माथा पकड़ा और हेडफोन कान में लगा के अंग्रेजी म्यूजिक सुनने लगी। निष्ठा ने उस रात भी हर रात की तरह बेड के ऊपर चिपके पोस्टर वाले शाहरुख से कहा, मैरी मी शाहरुख। धीरे धीरे ही सही, कॉलेज में निष्ठा को भी ऐसे दोस्त मिलने लगे थे जो सिनेमाई पर्दे के इस राहुल को बेहद पसंद करते थे, इतना कि हर बातचीत में उसके ही डायलॉग बोलते थे। जब ग्रुप में चाय पीते पीते किसी की कमीज पे चाय गिर के अपनी मुहर लगा देती तो अरुण कह देता, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एग्जाम से पहले सब मिलके कसम खाते, 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, जाओ अपने खुदा से 3 घंटे मांग लो। उसी ग्रुप में डेविड भी था जो एग्जाम के बाद फेल हो जाने पर कहता, कुछ हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। पर प्रॉब्लम तो यह हुई कि यह बेचारा ग्रेजुएशन के 3 साल यही कहता रह गया और पंचवर्षीय योजना पूरी करने के बाद ही कॉलेज से ग्रेजुएट कर पाया। निष्ठा के सारे दोस्त मिलके शाहरुख की हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते और फिर कंपटीशन करते कि फिल्म के बाद किसको कितने डायलॉग याद हुए। निष्ठा को लगने लगा था कि इस बेदर्द जालिम दुनिया में कुछ लोग तो हैं जो उसको और उसके प्यार को समझ रहे हैं। वो उन सबसे यही कहती कि बस एक बार शाहरुख मिल जाए और मैं उसको प्रपोज कर दूं, फिर उसकी मर्जी, वो चाहे जो फैसला ले। निष्ठा, अरुण, डेविड और उसके जैसे ही शाहरुख प्रेमी दोस्तों ने SRK फैन क्लब बना लिया था। यह आइडिया निष्ठा का ही था कि इसी बहाने शाहरुख को पता लगे कि कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स उसके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो जरूर उन सबसे आके मिलेगा। कॉलेज में एक और फैन क्लब था, वी आर द दबंग्स। दोनों गैंग आपस में इसी बात पे उलझते रहते कि कौन सा खान बेहतर है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे यही बहस चलती रहती कि किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। एक दिन दोनों खान की किसी पार्टी में एक दूसरे से गले मिलने की तस्वीर छपी थी अखबार में। SRK और दबंग दोनों फैन क्लब मिलके कैंटीन में जश्न मनाने आ गए थे। तब तो एक शाम जब निष्ठा FM पे सुन रही थी तो उसको पता चला कि एक चैनल पे कॉम्पिटिशन चल रहा है, टॉक टू SRK। बस उसमें इतना करना था कि FM पे गानों के बीच शाहरुख की फिल्मों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, सही सवाल SMS करना है और जीतने वाले को खुद फोन करेंगे शाहरुख खान। कहने की जरूरत नहीं है कि अपनी निष्ठा इस हसीन मौके को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी। पूरी रात कान से सटा के रेडियो पे FM सुना और सवाल आया। सिंपल सा सवाल था कि फिल्म डर में शाहरुख ने कितनी बार क क क क बोला है। 65 बार डर देख चुकी निष्ठा के लिए इसका जवाब देना मुश्किल नहीं था। झट से SMS करके जवाब दे दिया। जब अगले 2 सप्ताह तक ऐसा कोई फोन नहीं आया तो उसको लगा कि एक उम्मीद जगा के सुनहरा मौका उसके हाथ से आके निकल गया, जैसे बादलों ने आसमान को ढक तो लिया हो पर कई दिनों तक धरती बारिश के इंतजार में सूखी रह गई हो। फिर एक दिन उसी समय घंटी बजी जब माँ का फोन आता था। उसने उदास मन से फोन उठाते हुए कहा, हेलो। उधर से आवाज आई, हाय, मैं शाहरुख खान बोल रहा हूं। बस इतना सुनना था कि निष्ठा के हाथों पे कंपन ने अपना कब्जा जमा लिया। उसे लगा चारों ओर सर्द हवा बह रही हो जिसने उसके होठों को सख्त कर दिया हो और उसके सारे लफ्ज गले तक आके ही शर्माने लगे हों, जैसे भटका हुआ कोई नाविक सागर में मदद मांग रहा हो और सामने से किसी की आवाज आ गई हो। हेलो, मैं शाहरुख, आर यू देयर? खुशियों के आसमान में उड़ान भर रही निष्ठा फिर से असली दुनिया में वापस आ गई। नो, आई मीन यस सर, आई मीन शाहरुख, हाउ आर यू? मैं निष्ठा हूं, नाम तो सुना होगा।
मतलब आप फोन पे, शाहरुख मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कैसे मिल सकती हूँ? आम फैन नहीं हूं मैं आपकी, प्लीज प्लीज मिल लीजिए ना मुझसे, प्लीज कैसे भी। मंद मंद हंसी के बीच उधर से आवाज आई, ओके ठीक है मैं मिल लूंगा, इस संडे मुझे तुम्हारे कॉलेज आना है, वहीं ऑडी में मिलते हैं। इतना कहने पे निष्ठा के फोन ने धोखा दे दिया, पुरानी बैटरी कब राम नाम सत्य बोल गई थी पता ही नहीं चला था निष्ठा को। गुस्से में उसने वही फोन ऑन करने की कोशिश की, पता नहीं चार्जर कहां गायब था जो मिल भी नहीं रहा था, या ये उसकी नर्वसनेस थी जो टेबल पे सामने रखा चार्जर उसकी आंखों को अपनी ओर बुला नहीं पा रहा था। फोन ऑन करके इनकमिंग लॉग से फिर वही नंबर मिला दिया उसने। आवाज आई, डायल किया गया नंबर दोबारा जांच लें। वो अपने किस्मत पे गुस्सा थी, अपने फोन से भी, अपने रूममेट से भी जो रातों को उसका चार्जर लेके पता नहीं कहां रख दिया करती थी। उस समय वो ऐसी मुलाकात से सिर्फ 3 दिन यानी सिर्फ 72 घंटे दूर खड़ी थी जिसका उसको कितने सालों से इंतजार था। खुशी में निष्ठा इतना जोर से चिल्लाई कि हमेशा एनरिके के गानों के साथ बिजी रहने वाली मालविका ने भी हेडफोन हटा के पूछ लिया, क्या हो गया तुझे, शाहरुख खान मिल गया क्या? मिला नहीं मैडम, पर बस मिलने वाला है इस संडे, और वो भी अपने कॉलेज में। मालविका ने भी उसकी खुशी में अपने हिस्से की किस्त जमा कर दी। दोनों मिलके नाचने लगे। छत पर चिपके पोस्टर के साथ आज निष्ठा ने न सिर्फ आंखों से ही बातें की थी बल्कि पूरी रात अपने एहसासों को लफ्ज दे दिए थे। अगले दिन अपने क्लब के दोस्तों के साथ उसने इस खुशी को साझा कर दिया कि वो अपने किंग खान से मिलने जा रही है। संडे यानी परसों वो और शाहरुख एक दूसरे से मिल रहे होंगे। सबने भी निष्ठा को टिप्स दे डाली, क्या पहनना है, क्या पूछना है, कैसे बात करनी है। अब इन सारे मसलों पे हर किसी की सलाह को कागज पे उतार लिया था निष्ठा ने। किसी ने बताया ज्यादा बात मत करना और जाते ही शादी के लिए मत बोल देना। निष्ठा को इन सब की बातें ऐसी हिदायतें लग रही थी जो माँ स्टेशन पे रेल छूटने से पहले देती थी। खुशियों के बादलों ने उसके मन के आसमान को ढक लिया था जैसे, पर जैसे बादलों के बीच कभी कभी गड़गड़ाहट होती है वैसे ही नर्वसनेस भी उसके मन में हल्का हल्का शोर मचा रही थी। संडे के दिन अपने सबसे अच्छे लिबास में तैयार होकर कॉलेज ऑडी पहुंच गई निष्ठा और उसने दरवाजा खोला। ऑडी में घुसते ही जिस पहली चीज से निष्ठा टकराई वो अंधेरा था। पूरा ऑडी खाली पड़ा था और उसमें न कोई रोशनी थी न ही आवाज। निष्ठा को भी अपने शाहरुख पर यकीन था कि वो देर से सही पर आएगा जरूर। उत्साह, उम्मीद और उमंग को अपने मन में इकट्ठा करते हुए वो इंतजार करती रही। करीब 1 घंटे और 37 मिनट के बाद ऑडी का दरवाजा खुला और कोई अंदर भी आया। पूरे 13 लोग थे, दबंग गैंग के सारे मेंबर्स। शुरू में तो उनका आना नॉर्मल लगा था पर तब अजीब महसूस हुआ जब सभी एक साथ उसके सामने खड़े होके जोर से हंसने लगे। पूरा हॉल उन सभी लोगों के ठहाकों से भर गया। सब एक एक करके निष्ठा के सामने आके कहने लगे, रेडियो शो टॉक टू एसआर के। इतने में ही उन्हीं लड़कों में से एक ने शाहरुख की नकल करते हुए कहा, हेलो मैं शाहरुख खान बोल रहा हूं, और उसके ऐसा कहने पे फिर से ठहाके लगाने लगे जैसे ऑडी का एक एक कोना उस पे खेले गए प्रैंक पे हंस रहा हो। इस घटिया मजाक से बेहद शर्मिंदा हो चुकी निष्ठा वहां से भाग निकली। कॉलेज के पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर उस दिन वो घंटों घंटों रोती रही। उसे उन सब के ठहाके बार बार परेशान कर रहे थे। वो अब खुद से भी गुस्सा थी कि वो इतनी पागल कैसे हो सकती है कि बिना किसी से कंफर्म किए वो यहां आ गई और इंतजाम करने बैठ गई। अब यहां से वापस जाने की हिम्मत भी नहीं थी। हॉस्टल की सहेलियां, उसकी रूममेट, उसके क्लब के सारे दोस्त, सबको तो बता के आई थी वो कि आज शाहरुख खान से मिलके आएगी, अपने शाहरुख से। अब सबके सामने ऐसा बेबस और मायूस चेहरा लेके जाके अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहती थी वो। आज उसको वही सारे ताने फटकार याद आ रहे थे जो उसने बचपन से अब तक सुने थे, जब 10वीं की क्लास में मैम ने उस पे उसके प्यार के लिए चिल्लाया था, जब 12 साल की उम्र में मां ने उसको फटकार तब लगाई थी जब उसने कह दिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ शाहरुख खान से। ये सारे ताने मजाक और फटकार उसको बेचैन कर रहे थे। मां यहां से भगा देना चाहती थी उसको, पर जाने के लिए न कोई मंजिल थी और न ही कोई रास्ता जो कम से कम किसी अनजान मंजिल तक तो पहुंचा सके।
बस यही दुआ कर रही थी कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे वो उन सब मजाक करने वालों के मजाक का जवाब दे सके। उसने सोच लिया था कि अपने इस अधूरे सपने को वो ढो ढो के अधूरा बना के नहीं जीना है। फिरोजपुर से मुंबई आने वाली मायानगरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ खड़ी थी। करीब 1.5 दिन बाद जब निष्ठा ने जमीन पर कदम रखे तो वो वहीं खड़ी थी जहां से उसकी मंजिल सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पे थी। वो जानती थी कि अब उसे यहां से सीधा टैक्सी करनी है और वहीं चले जाना है जहां वो हमेशा से पहुंचना चाहती थी। अपने साथ एक कॉलेज बैग में ढेर सारी उम्मीदें भर लाई थी निष्ठा। 1 घंटे और 12 मिनट के बाद निष्ठा एक ऐसी इमारत के बाहर खड़ी थी जो महज ईंट पत्थरों से नहीं बनी थी। ये वही घर था जिसको निष्ठा ने कई बार अपने सपनों में बुन लिया था बिना ईंट और पत्थर के। मन के आंगन में बसे अपने सपनों की नर्म उम्मीदों के सहारे वो घर पे बहुत पहले ही बहुत कुछ खड़ा कर चुका था। ये वही घर था जो कई सालों तक उसके कंप्यूटर का वॉलपेपर होता था। ये वही इमारत जिसे निष्ठा ने अपने सपनों में रोज देखा था, मन्नत। उसे विश्वास था कि बस एक बार यहां पहुंच के उसको अपने हीरो से मिलना है, उसको शादी के लिए प्रपोज करना है और बस इतने में ही उसका सपना पूरा हो जाएगा, वो जिसको उसने हर रात सोने से पहले देखा है। निष्ठा अकेली नहीं पहुंची थी वहां, उम्मीद, सपने और अपने मासूम प्यार की नमी संग लाई थी। निष्ठा के साथ उसी जगह हजारों और लोग खड़े थे, उसी एक सितारे को देखने के लिए जिसे मिलने निष्ठा भी चली आई थी, अपनी उम्मीदों का बस्ता टांगते हुए। वहां खड़े उन अनजान लोगों में कोई शाहरुख जैसा ही बन के आया था तो किसी ने उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरों को हाथों में थमा रखा था, किसी ने उसके जैसे कपड़े पहने थे तो किसी ने अपने चेहरे पर ही SRK पेंट करवा दिया था। आज यहां इन हजारों लोगों की भीड़ में खो गई निष्ठा। न सिर्फ वो बल्कि उसका यह दावा भी कि दुनिया में उसके जैसा और कोई SRK फैन तो हो ही नहीं सकता। इन सारे लोगों को देख के इनमें यह पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर इनमें सबसे बड़ा फैन कौन है। खुद को बहुत ही छोटा महसूस किया निष्ठा ने यहां आके। ऐसा तो नहीं सोचा था उसने अपने बुने हुए सपनों में कि उसके शाहरुख के और भी दीवाने हैं, इस कदर दीवाने। यहां पहुंचने के बाद सिर्फ निष्ठा नहीं भीड़ में खोई थी बल्कि उसका वो मासूम प्यार भी कहीं भीड़ में गुम हो गया था जो बचपन से अब तक उसके साथ बना रहा था। अपने सपने, अपनी उम्मीद और शादी का ख्वाब यहां आके कितने छोटे और बेमानी लगने लगे थे। उसने अपने सपनों को एक मौका तो दिया था पर यहां चलने वाली सच की तेज आंधियों ने उसके मन की उम्मीदों भरी कच्ची दीवारों को गिरा दिया था। शायद उसके लिए ये सही भी था। 7 दिन बाद निष्ठा अब शाहरुख के सामने थी, वही जिसको वो हमेशा से देखती आई थी और जिससे बातें भी करती आई थी। हर बार की तरह निष्ठा ने इस बार भी कह दिया, मैरी मी शाहरुख। हर बार की तरह क्वीन हॉस्टल के रूम नंबर 703 के बेड के ठीक ऊपर चिपका शाहरुख का पोस्टर निष्ठा की आंखों में देख के बिना जवाब दिए मुस्कुराता रह गया। बस इतनी सी थी ये कहानी।